हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज हम Amazon Affiliate की सीरीज में इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि अगर आप Amazon Affiliate का ब्लॉग बना रहे हैं तो उस ब्लॉग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। रीजन ये होता है कि Amazon Affiliate के ब्लॉग के अंदर जो भी आप कंटेंट लिखते हैं तो मोस्ट ऑफ द आउटबाउंड लिंक, जो लिंक आप पॉइंट करते हैं, वो Amazon के वेबसाइट पे जाती है। और Amazon के वेबसाइट पे मल्टीपल लिंक अगर आपकी पोस्ट से जाती है तो उस केस के अंदर गाइस आपका पोस्ट रैंक होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। क्यों? क्योंकि गूगल में अगर SEO के थ्रू आपको रैंक करना है तो आपके पास क्वालिटी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ना कि कोई बार बार आप एक ही साइट पे मल्टीपल लिंक्स को आउटसोर्स करते जाएं, राइट? तो गाइस वो कैसे करना है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है ब्लॉग बनाने से पहले, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट कैसा लिखेंगे, लेकिन हमारे ब्लॉग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उसमें डिटेल डिस्कशन हम आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए और आने वाले फ्यूचर वीडियोस की भी अपडेट इंस्टेंटली आपके एज ए नोटिफिकेशन के अंदर चाहते हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि आज भी 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेल आइकन को हिट नहीं करके रखा है। अगर आप उनमें से एक है तो फटाफट से कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसे लग रही है और क्यों लग रही है। तो चलेगा इस चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इस पर्टिकुलर चीज के अंदर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेने वाला हूं मेरा ओन सेल्फ ब्लॉग soundproofidea.com। ये पर्टिकुलर ब्लॉग में दिन के अंदर 400 से 500 व्यूज आते हैं, दैट मोस्ट ऑफ द 50-60% का ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट्स है ऑर्गेनिकली। इस ब्लॉग के मोर देन 2000 कीवर्ड टॉप 100 के अंदर रैंक करते हैं और ये ही मेरा टारगेटेड ब्लॉग है जिसको मैं ग्रो करने की प्लान कर रहा हूं, बिकॉज इसमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि ये नीच ओरिएंटेड है और इसी के लिए सारे कीवर्ड रिसर्च और सारी स्ट्रेटजी में यूज करता हूं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले यहां पे मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और दूसरी हम साइलो स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, कैसे वो बनाया जाता है। सबसे पहली चीज गाइस, इस ब्लॉग को देखने से आपको समझ में आ रहा है इसको मैंने तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है और मेजर दो कैटेगरी से। हमेशा हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो ब्लॉग डिजाइन होता है गाइस, उस पर्टिकुलर ब्लॉग को आपको दो कैटेगरी में डिजाइन करना है। तो मैं इसको फटाफट से पेंट पे ले चलता हूं ताकि पेंट पे हमें अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो बेसिकली हमें क्या करना है गाइस, हमारे ब्लॉग के अंदर हमें कुछ दो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। पहला स्ट्रक्चर वो होगा जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेटिव कंटेंट होगा, मतलब ऐसे ब्लॉग पोस्ट जिसके अंदर जो भी आप आउटबाउंड लिंक देते हैं, जैसे कि Amazon की वेबसाइट है या फिर आप ClickBank की एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट प्रमोशन की ई-कॉमर्स टाइप की वेबसाइट पे जहां पे आप यूजुअली ट्रैफिक भेजते हैं, तो एक ऐसा कैटेगरी होगा, उस कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखेंगे और इसके अंदर से कोई भी लिंक जो है वो किसी भी ई-कॉमर्स साइट को नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम गूगल को ये बताना चाहते हैं कि नहीं गाइस, हम यहां पर एक ऑथोरिटेटिव और एक क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करते हैं जिससे कि यूजर को हेल्प हो सके, हमारा अल्टीमेट मोटो उनको हर बार अमेजोन पे भेजना नहीं है। तो ये एक कैटेगरी होगी। और गाइस हमारी जो दूसरी कैटेगरी होगी वो सोलली होगी प्रोडक्ट रिव्यू के अराउंड, मतलब कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर चीज करनी है तो इसके टॉप 10 बेस्ट प्रोडक्ट्स ये हैं, अगर मुझे ये पर्टिकुलर चीज करनी है तो इसके टॉप 10 बेस्ट ये चीजें हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, ये जितने भी पोस्ट होंगे उसमें जितने भी होगी 99% सारे ब्लॉग्स के अंदर एटलीस्ट एक लिंक जो होगी वो Amazon जैसी वेबसाइट्स पे जाएगी, क्योंकि हम जब Amazon affiliate की मार्केटिंग करते हैं। और ये जो पोस्ट जो हम यहां पे लिख रहे गाइस, जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है, ऐसे कंटेंट के अंदर मोस्ट ऑफ द लिंक्स होगी या तो वो किसी क्वालिटी पोस्ट को पॉइंट करती रहेगी, जैसा कि मैं यहां पे कोई स्टैट्स लिख रहा हूं कि हमें साउंड प्रूफिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी, और वो स्टडी जिसने भी कर रखी है उसको आप लिंक कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, मैं बेसिकली यहां पर इस कंटेंट को ऑथोरिटेटिव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव से लिख रहा हूं ताकि गूगल इसको रैंक करे और मेरी साइट को स्पैमी ना बनाए। तो इस तरीके से मैं कुछ ऑथोरिटेटिव साइट को, और साथ ही साथ जब हम इसके बारे में यहां पर डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे तब विद इन द पोस्ट इटसेल्फ जो भी आपके प्रोडक्ट रिव्यू के पोस्ट है उसको आप भी इंटरलिंक करेंगे। समझ में आया? मतलब हम क्या कर रहे हैं, या तो विद इन द साइट हम कुछ ऐसे जो कि प्रोडक्ट प्रमोशन या प्रोडक्ट रिव्यू वाले पोस्ट है उसको लिंक करेंगे, या फिर गाइस हम इनको ऐसी साइट्स और ऐसे पर्टिकुलर रिसोर्सेज से लिंक करेंगे जो यूजर को इंफॉर्मेशन देता है। तो ये पोस्ट क्या होगा गाइस, हमारा टारगेट रहेगा इन पोस्ट को रैंक करवाना। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट रिव्यू टाइप के पोस्ट है तो उसमें अल्टीमेटली ई कॉमर्स टाइप की साइट्स ऑलरेडी रैंक करती है, तो अगर आपकी साइट पूरी की पूरी इससे भर दी जाएगी, इन प्रोडक्ट्स रिव्यू वाली साइट से भर दी जाएगी, तो गाइस उसके अंदर गूगल आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा और उसको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर ब्लॉग पूरी तरह से स्पैमी है, मुझे इसको रैंक करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। तो चांसेस ऑफ रैंकिंग विल बी वेरी लो अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यू के अराउंड लिखते हैं। इसलिए हमारा जो स्ट्रेटजी होता है वो यही होता है कि बेसिकली हम इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखे और उस इंफॉर्मेटिव कंटेंट को इस पर्टिकुलर
प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट को इंटरनली लिंक करे ताकि यूजर उस पे जाए और उससे वो अमेजन पे जाए, तो हम इसको रैंक करवा के उसका एडवांटेज इसमें निकालेंगे। और हाँ गाइस, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो है आउटबाउंड लिंक। कभी भी आप किसी भी ई कॉमर्स साइट को या फिर प्रोडक्ट रिव्यू साइट को कभी भी बैक लिंक दें तो हो सके तो उसको नो फॉलो ही रहने दीजिए, जब तक कि आपको नहीं लगता है कि मुझे इसको डू फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज 99% केसेस में आपको नो फॉलो ही रखना है, क्योंकि हमें कोई ऑथोरिटी पास करके मतलब नहीं है, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप इसको इंटरलिंक करेंगे। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट के पोस्ट को आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट के थ्रू बैकलिंक देते हैं तो उस केस के अंदर उसको डू फॉलो बनाइए ताकि क्राउलर उसको विजिट करें और अंडरस्टैंड करें कि हाँ, यूजर ने इंफॉर्मेशन के साथ में उसको कुछ सजेशन भी दे रखे और वो ही उसकी साइट पे अवेलेबल है। तो इसकी रैंकिंग इंप्रूव होने के साथ साथ में हमें इसमें भी एडवांटेज मिलता है। तो हमें क्या कर रहे हैं एक्चुअली गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि जब भी गूगल के अंदर कोई भी पर्टिकुलर पोस्ट रैंक होता है तो उस पर्टिकुलर पोस्ट की ऑथोरिटी बढ़ती जाती है, राइट। क्योंकि आपने ये जो लिख रखे हैं, ये जो प्रोडक्ट के पोस्ट है उसकी ऑथोरिटी अभी बहुत कम है, लेकिन जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिख रखा है उसको गूगल ऑप्टिमाइज करके उसको रैंक करता है। और जब ये पर्टिकुलर पोस्ट गूगल के टॉप के अंदर आता है और जब ये पर्टिकुलर पोस्ट विथिन दैट अगर इटसेल्फ इन प्रोडक्ट पेजेस को वो अपरैंक करने के लिए गूगल को सिग्नल देता है वाया इंटरलिंकिंग, तो उस केस के अंदर ये प्रोडक्ट पेजेस भी फिर से टॉप 10 में आने लग जाते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी, ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना होता है, पहला पार्ट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, अगर मान लीजिए इसका एडवांटेज कैसे उठा सकते हैं, यहां पे कोई पोस्ट है दैट इज ऑल अबाउट, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कोई माउस है या फिर जैसा कि मैंने अभी आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा वहां पे साइट पर दिखाई देगा। इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है बेस्ट टॉप 10 जनरेटर फॉर कैंपिंग, अगर कोई कैंपिंग में जाना चाहता है तो उसके टॉप 10 जनरेटर से है, तो अभी क्या होगा उस केस के अंदर गूगल क्या मेरे इस पोस्ट को रैंक करेगा, नहीं करेगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर 4 से 5 इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखूंगा और वह कंटेंट क्या रहेगा, सबसे पहले कि डिफरेंस इन बिटवीन जनरेटर एंड इन्वर्टर, ओके। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा पूरी इंफॉर्मेटिव कंटेंट तो उसमें बीच में सजेस्ट करूंगा इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बेस्ट टॉप 10 जनरेटर देन वी ऑलरेडी हैव डिटेल गाइड ऑन दैट, और वहां से इंटरलिंक करके इसको लिंक। तो मतलब हमने इंफॉर्मेटिव कंटेंट में एक ऑथोरिटी पास कर दी। अब सेकंड वाला दूसरा एक पोस्ट लिखूंगा और वो पोस्ट में लिखूंगा टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस टू गो फॉर एन कैंपिंग, राइट। फिर से उसको जब एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हेन यू विल गो फॉर अ कैंपिंग डेफिनेटली यू नीड टू टेक केयर अबाउट योर बैटरी पावर और बैटरी बैकअप, और इन दैट केस गाइज वी ऑलरेडी हैव अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 जनरेटर। तो सेकंड मैंने इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखा, कोई भी अमेजन को लिंक नहीं जा रही, एक तरीके से गाइड जा रही है, बट विद इन दैट मैं इंटरलिंक कर रहा हूं मेरे उस प्रोडक्ट पेज को। सेकंड पोस्ट है मेरा इंफॉर्मेटिव। अभी मैं थर्ड पोस्ट को वहां पे फिर से एक बार लिखूंगा और वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि थिंग्स नीड टू केयर अबाउट व्हेन यू विल गो फॉर कैंपिंग, ऐसे मैं 15 से 20 पॉइंट लिखूंगा और उसके अंदर फिर से मैं एक बात करूंगा, यू नीड टू मेक श्योर यू शुड हैव अ enough or efficient battery backup, and for that you can even go with this portable and easy to use generators, right? तो मैंने तीसरा informative content लिखा, उसको फिर से मैंने product से पहले, so समझ में आ गया, Google हमेशा quality content को rank करता है ना कि product pages को। तो आपको आपके blog का structure हमेशा दो category में divide करके रखना है if you really wanted to make affiliate income using Amazon affiliate kind of products और कोई भी ऐसे product promotion को करता है। और मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ये सारे मेरे implementations है और इसी की वजह से मेरे बहुत सारे keyword, बहुत ज्यादा कीवर्ड गाइस टॉप 10 के अंदर रैंक होते हैं। और छोटा सा एग्जांपल के लिए चलिए अपन गूगल में जाकर देख लेते हैं, वैसे आप सेल्फी अगर कुछ जाकर के चेक करेंगे ना तो आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड मेरे नजर आ जाएंगे, एचआरएफ में डाल के देख लीजिएगा, हाउ टू साउंड प्रूफ सीलिंग फ्रॉम फुटस्टेप्स, ओके इसको, ओके ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को जैसे मैंने सर्च किया, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, ये तो एक एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पर मेरा पोस्ट आ रहा है कैसे एक सीलिंग को, हम 5 टिप्स मैंने यहाँ पे दिया कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर सीलिंग को आपको साउंड प्रूफ करना है, soundproofidea.com। जैसे कोई बंदा इसको क्लिक करता है ये कंटेंट एक इन्फॉर्मेटिव काइंड ऑफ कंटेंट है, लेकिन इसको बीच में मैं मिक्सिंग करके रखा है, किस चीज से, इसको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से लिंक करके रखा है, समझ सकते हैं आप, यहाँ पे इंपैक्ट नॉइस है, इसी तरीके से यहाँ पे साउंड प्रूफ बिटवीन द एग्जिस्टिंग फ्लोर है, 5 इफेक्टिव टिप्स में आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर यूज द अकॉस्टिक फॉर्म है, इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इमेज दिया और बीच में थोड़ा सा लिंक दे दिया। तो ये मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, कहीं कहीं पे मैंने लिंक शेयर करके रखा है। तो हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को लिखना है और उस कंटेंट को रैंक करने की ट्राई करनी है और उसी पे बैकलिंक, सारी चीजों का फोकस हमें इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पे रखना है जिससे हमारे प्रोडक्ट के पेजेस रैंक हो जाते हैं। और चलिए हम साइट पे चलते हैं गाइस, ये soundproofidea.com, इसको देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरी बना रखी है, ये फुल कैटेगरी है दैट्स मोर अबाउट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ओनली, ओके। और इसको जब मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा तो उसके अंदर मोस्टली पोस्ट और पेजेस है, 90% केसेस में डायरेक्टली लिंक है
प्रोडक्ट गाइड के साथ में। कुछ कुछ आपको लिंक दिख जाएगी बट 90% केसेस में वो प्रोडक्ट है, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर साउंड प्रूफ टिप्स के अंदर अगर कोई भी पोस्ट ओपन करके बताता हूँ उस कैटेगरी के अंदर, तो ये है जैसा कि आप समझ में आ रहा है। मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एयरबोर्न एंड स्ट्रक्चर बोर्न नॉइस में डिफरेंस क्या है, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। इसको जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइज, तो बीच बीच में आप देख सकते हैं व्हाट इज नॉइस, ये भी एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को जा रहा है, ये भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को जा रहा है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, इसको और स्क्रॉल करें और स्क्रॉल करें, तो इसके बीच में मैंने साउंड प्रूफिंग अ विंडो, एक विंडो को कैसे साउंड प्रूफ किया जाता है या फिर हाउ टू यूज अ साउंड प्रूफ कर्टन, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जाएगा उन साउंड प्रूफ कर्टन की जो टॉप 10 मेरी प्रोडक्ट की लिस्ट। अगर आप इसकी तरफ आएंगे देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट की लिस्ट है, ये 5 प्रोडक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा गाइस कि आपको एक्जैक्टली लिंक कैसे ऐड करना है, कैसे कंटेंट को लिखना है, बट ये वीडियो इज मोर अबाउट स्ट्रक्चर, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके के कर्टन है, मैंने कर्टन के एग्जांपल्स दिए, फिर उन कर्टन्स का रिव्यू दिया है, तो इस तरीके से मैंने इसको इंटरलिंक करके रखा है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलता है। जैसे कि ये एक नया पोस्ट है, यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं 9 टिप्स कैसे एक विंडो को साउंड प्रूफ किया जाता है। बेसिकली इसके अंदर मैं ऑलरेडी उस विंडो के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है उसको प्रमोट कर रहा हूं या फिर टिप्स को प्रमोट कर रहा हूं कि ये टिप्स है। और जब भी आप उन टिप्स को गो थ्रू करते हैं तो बीच बीच में आप देख सकते हैं अकोस्टिक फॉर्म, इसको जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अकोस्टिक फॉर्म के नाम से कोई भी मेरा प्रोडक्ट गाइड होगा उसके पर्टिकुलर ये ब्लॉक चला जाता है, इसको राउट कर देता है। और आप देख सकते हैं इसको जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बीच बीच में यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, और एग क्रेट का जैसे ये प्रोडक्ट है इसके अमेजन को लिंक जा रही है, Amazon को लिंक जा रही है, तो मतलब ये प्रोडक्ट रिव्यू गाइड है, ओके? चलिए ये क्वाइट प्रोडक्ट के नाम से। तो अभी मैं प्रोडक्ट, ये जो मेरा सेकंड कैटेगरी है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर गाइस आप देख सकते हैं 11 बेस्ट व्हाइट नॉइस मशीन फॉर ऑफिस, तो ये डेडिकेटेड प्रोडक्ट रिव्यू गाइड है। इसको जब आप ओपन करके देखते हैं तो आपको सिंपली वही नजर आता है, ये 11 प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, नंबर 1 का प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट पूरी तरीके से Amazon को जा रहा है, नंबर 2 का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट पूरी तरीके से Amazon को जा रहा है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोडक्ट की कैटेगरी है। छोटे से एग्जांपल के लिए हम क्या कर सकते हैं, इमेजिन कीजिए कि मैं यहाँ पे बात करता हाउ टू रिड्यूस जनरेटर नॉइज, राइट। यहाँ पे मैं 10 इफेक्टिव वेज की बात कर रहा हूं, और मैंने ऑलरेडी यहां पे देख सकते हैं गाइस पोर्टेबल जनरेटर के बारे में एक ऑलरेडी क्वालिटी पोस्ट लिख रखा है। तो मतलब ये क्या है, ये प्रोडक्ट का पोस्ट है, अगर मैं इसको ओपन करूं ये प्रोडक्ट का पोस्ट है और ये वाला नॉर्मली इन्फॉर्मेटिव पोस्ट है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं गाइज, तो इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर मैं कहीं ना कहीं ऑलरेडी इन क्वाइट जनरेटर देख सकते हैं, बेस्ट जनरेटर फॉर कैंपिंग, इसको लिंक कर चुका हूं। तो मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को रैंक करूंगा और उसके अंदर लोगों को सजेशन देके मैं प्रोडक्ट वाले पेजेस पे भेज दूंगा, जो कि ये है टॉप 10 बेस्ट जनरेटर के नाम से। तो यहाँ पे जो जो भी जनरेटर्स है तो बेसिकली लोग इसको बाय करते हैं, देन यू विल मेक इनकम। तो एक चीज समझ में आ गई होगी आपको कि एक स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करना है। जब भी आप बिगनिंग करते हैं स्पेशली ई कॉमर्स साइट से आपको कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करके सेल करवाना है, तो दैट शुड बी योर स्ट्रेटजी। और नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम बात करेंगे ये कंटेंट लिखा कैसे जाता है, लिंक को कैसे इंपोर्ट करके मैंने लगाया है, कैसे कैसे लिंक और इमेजेस आ रही है, ये सारी चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, बेल आइकन को हिट करके रखिएगा और हमारी Amazon एफिलिएट की कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पर डिटेल अंडरस्टैंडिंग में मैंने आपको बताया है कैसे कैसे Amazon का ब्लॉग सेटअप किया जाता है और किस तरीके से काम किया जाता है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अगर है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।